أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وعالم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم وعالم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وعاطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم سورة النجم اور سورة النجم کی 30 نمبر کی آیت تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پچھلے درس میں پیش کی تھی اور آج اسی کے آگے کی گفتگو ہے اور اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان کے کل اختیارات ہیں تاکہ وہ بدعمل افراد کو ان کے عمل کی سزا دے سکے اور نیک عمل کرنے والوں کو ان کے اعمال کا اچھا بدلہ دے سکے. اب یہاں کے اوپر عمل کی جزا اور سزا سے اختیارات کا کیا لینا دینا ہے؟ پھر اللہ نے پہلے اختیارات کی بات کیوں کی اور اختیارات کی بات کرنے کے بعد پھر جزا سزا کا تذکرہ کیوں کیا؟ یہ اس لیے ہے تاکہ کوئی انسان یہ تصور نہ کرے کہ یہ اللہ کے اختیار میں نہیں ہے اور اللہ ہمیں نہ جزا دے سکتا ہے نہ سزا دے سکتا ہے. لہذا اللہ نے پہلے کیا کہا کہ زمین اور آسمان کا پورا اختیار کس کو ہے؟ اللہ کو ہے. جب زمین اور آسمان کا سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر اب اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اللہ کے اختیار سے باہر ہے تو یہ اس کی بھول ہے، اس کی ناسمجھی ہے. جو اللہ زمین پر اختیار رکھتا ہو، آسمان پر اختیار رکھتا ہو، کیا وہ اس بات پر اختیار نہیں رکھتا کہ وہ ہمارا حساب کر سکے اور ہمارے اعمال کے مطابق ہمیں جزا یا سزا دے سکے؟ نہیں، اس پروردگار عالم کو پورا اختیار ہے اور اسی اختیار کے لحاظ سے وہ قیامت کے دن جو صاحبان ایمان ہوں گے، صاحبان عمل صالح ہوں گے،
उनको जज़ा देगा, इनाम देगा, और जो गलत और बुरे काम करने वाले होंगे उनको सजा देगा। जो लोग गुनाहाने कबीरा और फोहश बातों से परहेज करते हैं, फोहश का अगर से यहां के ऊपर ब्रैकेट में तर्जुमा गुनाहाने सगीरा से किया गया है, एक होता है गुनाहाने कबीरा और एक होता है गुनाहाने सगीरा, एक होता है कबीरा गुना और एक होता है सगीरा गुना, यानी इसको हम आसान जबान में कहें बड़ा गुना और एक छोटा गुना। हालांकि यहां के ऊपर जो साहिबान इल्म मारिफत हैं उन्होंने कहा गुनाह कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, गुनाह कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, आपको ये देखना है कि आपने किसकी मुखालिफत की है। बड़े और छोटे का मसला ही नहीं, आपने मुखालिफत किसकी की है। आप छोटा गुनाह करो तब भी अल्लाह की मुखालिफत है, बड़ा गुनाह करो तो भी अल्लाह की मुखालिफत है। लिहाजा जो साहिबान इल्म और इरफान होते हैं तो उनका कहना है कि गुनाह कोई छोटा बड़ा नहीं है, असल है क्या अल्लाह ताला के हुक्म की मुखालिफत। अगर आप इस छोटे गुनाह की बुनियाद पर अल्लाह के हुक्म की मुखालिफत कर रहे हो तो ये भी शायद साहिबान इल्म मारिफत के लिए बड़ा गुनाह हो, बड़ा गुनाह हो। तो इरशाद होता है कि जो लोग गुनाहाने कबीरा और फुहश बातों से यानी गुनाहाने सगीरा से परहेज करते हैं, बेशक आपका परवरदिगार उनके लिए बहुत वसी मगफरत वाला है। वो उस वक्त भी तुम सबके हालात से खूब वाकिफ था जब उसने तुम्हें खाक से पैदा किया, और उस वक्त भी जब तुम माँ के शिकम में जिनीन की मंजिल में थे। माँ के शिकम में जब अभी इब्तदाई दौर था तुम्हारा और तुम्हारी सूरत शक्ल जब बन रही थी माँ के शिकम में, तो उस वक्त भी तुम्हारे हालात से तुम्हारा रब और अल्लाह वाकिफ था और आगाह था जब जिनीन की मंजिल में। लिहाजा अपने नफ्स को ज्यादा पाकीजा न करार दो, वो मुत्तकी अफराद को खूब जानता है। जाहिर से बात है कि हमारे कहने से या हमारे जाहिर करने से कोई पाक नहीं होगा कि हाँ हम अपने को ये जाहिर करें कि हम बड़े मुत्तकी हैं, बड़े परहेजगार हैं और बड़े अल्लाह वाले हैं, इससे हम अल्लाह वाले नहीं हो जाएंगे। वो हमारे नफ्स को और हमारे दिल की कैफियत को खूब जानता है कि कौन वाकई परहेजगार है और कौन परहेजगार नहीं है। यहां के ऊपर ये जो मैंने तर्जुमा किया कि जो लोग अपने को गुनाहाने कबीरा और फोहश बातों से परहेज करते हैं, यहां पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है गुनाहाने सगीरा के अलावा जो अपने को बचा लेते हैं, तो इसमें थोड़ी सी तफसील है, इसको मैं बयान कर दूं। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि गुनाह सगीरा के इर्तिकाब में कोई हरज नहीं है, ऐसा नहीं है कि गुनाह सगीरा के इर्तिकाब में यानी उसको अंजाम देने में कोई हरज नहीं है। अल्लाह ने क्या कहा कि जो लोग अपने को गुनाहाने कबीरा से और फोहश बातों से बचा लेते हैं, यानी जो चीजें जो बातें गुनाहाने सगीरा के अलावा हैं, छोटे छोटे गुनाहों के अलावा, छोटी छोटी बातों के अलावा हैं, जो बड़े बड़े गुनाहों से अपने को बचा लेते हैं, तो क्या मतलब कि छोटी बातों को या छोटे गुनाहों को करने दिया जाए? हैं? क्यों न किया जाए? अहसन, जजाकल्ला, बहुत खूब। ये जो छोटे छोटे गुनाह जिसको हम अगर इसके ऊपर ब्रेक नहीं लगाएंगे और इसका इसरार करते रहेंगे, इसी को हम अंजाम देते रहेंगे, तो यही एक दिन बड़े गुनाह की शक्ल ले लेते हैं और फिर हम अपने को गुनाह कबीरा से भी नहीं बचा पाते हैं।
इस वजह से जरूरी होता है कि इंसान अपने को छोटे छोटे गुनाहों से भी, छोटी छोटी चीजों से भी बचा के रखे, ताकि उससे बड़ा गुनाह ना होने पाए। तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि गुनाहान सगीरा के इर्तिकाब में कोई हर्ज नहीं है, इसलिए कि अगर ऐसा होता तो इसका नाम गुनाह ही ना होता। जाहिर सी बात है कि अगर इसमें कोई हर्ज नहीं है गुनाहान सगीरा में, तो इसका नाम गुनाह क्यों पड़ा? गुनाह नाम देना खुद बता रहा है कि नहीं, हर्ज तो है, बल्कि मुबाह रख दिया जाता। एक आम चीज जैसे मुबाह होती है, पानी है, पानी मुबाह है, आपको प्यास लगी है पियो ना पियो आपको इख्तियार है, पियोगे तो भी कोई सवाब नहीं, नहीं पियोगे तो कोई अजाब नहीं, वो आपके ऊपर है। तो ऐसे ही मुबाह कह देता, लेकिन मुबाह नहीं कहा, गुनाह कहा। तो गुनाह कहना ही इस बात की दलील है कि बड़ा हर्ज तो उसमें है, तकलीफ तो है। गुनाह बहरहाल गुनाह है, चाहे सगीरा हो या कबीरा। आयत का खुला हुआ मतलब यह है कि गुनाह कबीरा और फोहश बातों से परहेज करने वाले इंसान के हक में खुदा वसीउल मग़फ़िरत है, बहुत ज्यादा माफ करने वाला है। यानी जो लोग अपने को गुनाहान कबीरा और फहश बातों से बचा ले जाते हैं, तो अल्लाह ताला क्योंकि करीम, लिहाजा उस करम की बुनियाद पर कि मेरे बंदे ने अपने को इतने बड़े बड़े गुनाहों से बचा के रखा है, लिहाजा इसकी तो छोटी मोटी गलतियां इससे हो गई हैं, तो इससे हम दरगुजर करते हैं, उससे हम चश्मपोशी करते हैं, इसको माफ कर देते हैं। यह है मग़फ़िरत, यह है मतलब। तो आयत का खुला हुआ मतलब यह है कि गुनाह कबीरा और फहश बातों से परहेज करने वाले इंसान के हक में खुदा वसीउल मग़फ़िरत है, बहुत ज्यादा बख्शने वाला है, और उसके गुनाह को आसानी से माफ कर सकता है कि उसने अहम गुनाहों से बहरहाल परहेज किया है और सिर्फ इन गुनाहों का इर्तिकाब किया है जो फितरी कमजोरी की बिना पर सरजद हो जाया करते हैं। आम तौर से हमने बड़े गुनाह नहीं किए हैं, लेकिन इंसान की फितरत है, नेचर में है, कुछ चीजें हो जाती हैं इंसान से, वो चीजें हो गई, इसी वजह से गुनाह ने सगीरा नाम रखा गया है। आप रास्ते में जा रहे हैं, औरत पे निगाह पड़ गई आपकी, ये गुनाह कबीरा नहीं किया आपने, ये गुनाह सगीरा है। निगाह पड़ी, आपने नीचा कर लिया निगाह को, निकल गए आगे। अब आप निगाह पड़ी उसके बाद फिर आपने उठाया, गौर से देखने लगे, यही गुनाह कबीरा हो गया। समझ गए गुनाह सगीरा और गुनाह कबीरा का फर्क? अल्लाह कह रहा है वो पहली आंख को तो माफ कर देंगे, लेकिन दूसरी वाली आंख को हम माफ नहीं करेंगे। समझ गए? यह है गुनाह सगीरा और गुनाह। इसी तरीके से और भी बहुत से, बड़ी लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी फेहरिस्त है। अहम गुनाहों से बहरहाल परहेज किया और इन गुनाहों का इर्तिकाब किया जो फितरी कमजोरी की बिना पर सरजद हो जाया करते हैं, और जिनसे परहेज करना हरकसों नकर नाकस के बस की बात नहीं है। जाहिर सी बात है, मार्केट में बैठे हैं, बाजार में बैठे हैं, आना है, जाना है, सौदा है, ग्राहक है, सब कुछ है। अब जाहिर सी बात है, इसमें या तो इंसान बिल्कुल अपना आंखों पट्टी बांध ले, या बिल्कुल अपने किसी गोशे में बैठ जाए। लेकिन मार्केट में रहेगा तो ये तो, आप किसी भी मुल्क में जाओ, आजकल किसी दुनिया में जाओ, हर जगह नुमाइश है, कहां तक अपने को आप बचाओगे? कहीं ना कहीं से तो आपसे गुनाह हो ही जाएगा। इस गुनाह में प्रॉब्लम नहीं है, इस गुनाह को कहा गया गुनाह सगीरा। इसके ऊपर इसरार, इसकी तकरार, यही गुनाह कबीरा बन जाती है कि अगर आप इसके ऊपर तकरार करते हो इसकी इसके ऊपर, तो यही गुनाह गुनाह कबीरा बन जाता है। क्या आपने उसे भी देखा है जिसने मुंह फेर लिया और थोड़ा सा राह खुदा में देकर बंद कर दिया? क्या इसके पास इल्म गैब है जिसके जरिए वो देख रहा है?
या उसे इस बात की खबर ही नहीं है जो मूसा के सहीफों में थी या इब्राहिम के सहीफों में थी जिन्होंने पूरा पूरा हक अदा किया। कोई शख्स भी दूसरे का बोझ उठाने वाला नहीं है। लेकिन अब यहां से गलतफहमी ना हो, जैसे वहाबी लोग जो है वो बहकाना शुरू कर देते हैं कि कोई दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, लिहाजा फातिहा दुरूद करना बेकार है, जो इंसान खुद करेगा बस वही इंसान को फायदा पहुंचाएगा। अल्लाह कह रहा है कुरान में कोई दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, लिहाजा जब दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा तो दूसरे के लिए अमल करना बेकार है। तुमको जो कुछ करना है अपने लिए करो, ये वहाबी नजरिया है। और वो इस तरीके से फातिहा दुरूद सलाम और बाकी जितनी भी चीजें उनको कहते हैं सब बिदअत हैं, और ये सब कुरान के खिलाफ हैं कि कुरान कह रहा है कि हर इंसान अपना बोझ उठाएगा। लिहाजा तुम्हारा कब्रों के ऊपर जाके दुआ करना और उनके ऊपर बैठना और कुरान पढ़ना कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इंसान जो कुरान पढ़ोगे तुमको फायदा मिलेगा, मुर्दे को नहीं मिलेगा। ये इनका नजरिया वहाबियों का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है यहां के ऊपर आयत का कि कोई इंसान दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। यहां पर मतलब ये है कि अगर आपने कोई गुनाह किया है तो उस गुनाह के जिम्मेदार आप हैं, आपका आपकी औलाद नेक है, उसके अच्छे अमाल हैं, बाप हो सकता है जहन्नम में हो लेकिन बेटा जन्नत में हो। यह है इसका मतलब कि कोई इंसान किसी का बोझ नहीं उठाएगा कि हाँ वो बेचारा बेटा है लिहाजा वो महबूब भाई का बेटा इस वजह से उसको जो है जन्नत में ले जाया जा रहा है। ठीक है बेटा गलत है तो महबूब भाई जन्नत में जाएंगे, बेटा जन्नत में नहीं जाएगा। अगर मौलाना ठीक है तो मौलाना जो है वो जन्नत में जाएंगे, बेटा जन्नत में नहीं जाएगा। अगर मौलाना गलत है तो मौलाना जहन्नम में जाएंगे, मौलाना का बेटा जन्नत में जाएगा और बेटा अच्छा है। तो कोई इंसान किसी का बोझ नहीं उठाएगा। जो जिसके आमाल होंगे उन्हीं आमाल के मुताबिक उसको जजा मिलेगी, उन्हीं आमाल के मुताबिक उसके उससे बातपुरस होगी। अब यहां के ऊपर भी मैं थोड़ा सा जो इन्होंने अल्लामा ने यहां पर तहरीर किया है इस आयत के सिलसिले में उससे भी बयान कर दूं। ये जिंदगी चंद मुस्तकिल उसूलों के ऊपर कायम है। ये हमारी पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी जो है, पूरा जीवन ये कुछ उसूलों के ऊपर टिका हुआ है जिनकी तरफ हर इंसान को हमेशा मुतवज्जह रहना चाहिए कि ये जिंदगी के उसूल के जिन पर हमारी जिंदगी रुकी हुई है वो कौन से उसूल हैं। पूरी हमारी लाइफ उसी के ऊपर डिपेंड कर रही है। उनमें से अव्वल, कोई शख्स किसी का बोझ उठाने वाला नहीं है, लिहाजा हर शख्स को अपने आमाल की जवाबदेही के लिए तैयार रहना चाहिए। जो इंसान जो कर रहा है उसकी जवाबदेही उसी के जिम्मे है। नंबर दो, इंसान का दुनिया और आखिरत में उतना ही हिस्सा है जितनी उसकी कोशिश है। हम जितनी कोशिश दुनिया के लिए करेंगे दुनिया मिलेगी, जितनी कोशिश हम आखिरत के लिए करेंगे आखिरत में मिलेगी। आखिरत में भी जितनी आखिरत के लिए हम कोशिश करेंगे उतना हिस्सा आखिरत में मिलेगा। कोशिश थोड़ी करके जाएं और हम सोचें कि जन्नत में इमाम हुसैन वाला दर्जा हमको मिल जाए। अगर इमाम हुसैन वाला दर्जा चाहते हो तो इमाम हुसैन के असहाब वाली कोशिश भी तो करो। अगर इमाम हुसैन वाला दर्जा चाहते हैं तो इमाम हुसैन के जो असहाब थे जैसी उनकी कोशिश थी तो वो कोशिश भी तो हो, वो ईमान और वो यकीन और वो अमल भी तो हो हमारे यहां। अमल हमको कुछ करना नहीं, हमको अपने को बदलना नहीं है, दुआ कर रहे हैं कि इमाम हुसैन का जवार मिल जाए, इमाम हुसैन का पड़ोस मिल जाए जन्नत में। तो इंसान का दुनिया और आखिरत में उतना ही हिस्सा है जितनी उसकी कोशिश है। दीन खुदा जिद्दोजहद का मजहब है, कोशिश का मजहब है। इसमें काहली और कसलमंदी और सुस्ती की कोई जगह नहीं है दीन में। नंबर तीन, इंसान एक दिन खुद ही अपनी कोशिश का मुशाहिदा करेगा।
जो भी उसने सही की है, कोशिश की है, एक न एक दिन इंसान उसको अपनी आंखों से देखेगा, वो कोशिश उसके सामने आएगी। इसने दारे दुनिया में किया है, इसने दारे दुनिया में क्या किया है और इस वक्त उसको अपने अंजाम के बारे में, उस वक्त जब ये यहां से रुखसत होगा तो अपने अंजाम के बारे में उसको खबर हो जाएगी। नंबर चार, इंसान लाख फरार करना चाहे, आखिरी मंजिल खुदा की बारगाह है। कहीं भी जाओ, कुछ भी कर लो, आखिर में पहुंचना उसी की बारगाह में है, जाना उसी की बारगाह में है। तुमको जितना फरार करना हो, जितना भागना हो, जितने रास्ते तलाश करना हो, जितने बहाने तलाश करना हो, कर लो, आखिरी ठिकाना और आखिरी मंजिल वही है। और बहरहाल हाजिरी देना है और इससे किसी तरह का फरार मुमकिन नहीं है। इस्लाम के कानून अव्वल की बिना पर इस रवायत की कोई हैसियत नहीं रह जाती जिसमें यह बयान किया गया है कि जिंदा के रोने से मरने वाले पर अजाब होता है। हाँ, वहां भी लोग क्या कहते हैं, रोने का नहीं, रोह के अजाब होगा उसके ऊपर, इस पे रोएंगे तो अजाब उसको, रोएंगे अगर हम तो हमारे ऊपर अजाब होगा, उससे क्यों अजाब होगा। वहां भी लोग रोने को मना करते हैं कि रोना नहीं वरना उसके ऊपर अजाब होगा। कुरान कह रहा है कि कोई दूसरे का बोझ, तो यहां पर उनको यह आयत नजर नहीं और उसका उल्टा करते हैं। वैसे आप कुरान बख्शने जाओ तो कहते कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, लिहाजा कुरान पढ़ना तुम्हारा फायदा नहीं देगा। यहां पर जब बेचारा कोई रोता है तो मना करते हैं कि रो नहीं, तुम्हारा अजाब उसको मिलेगा। तो एक तरफ तो तुम कह रहे हो किसी का बोझ नहीं उठाएगा, कुरान कह रहा हो, दूसरी तरफ तुम ही कह रहे हो कि नहीं, तुम्हारा गुनाह उसको मिलेगा। तो इस्लाम के कानून अव्वल की बिना पर इस रवायत की कोई हैसियत नहीं रह जाती कि जिसमें यह बयान किया गया है कि जिंदा के रोने से मरने वाले पर अजाब होता है। जाहिर है कि इसका खुला हुआ मतलब यह है कि गुनाह कोई करे और अजाब किसी के ऊपर किया जाए, जो इस्लाम के कानून के, कानून अदल के बिल्कुल खिलाफ है। और किसी सियासी बुनियाद पर यह रवायत गढ़ी गई है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो कोई शख्स भी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। क्लियर हो गई बात। अब आगे, और इंसान के लिए सिर्फ उतना ही है जितनी उसकी कोशिश, और ये आयत भी अक्सर आप मजलिसों में सुना करते हैं, अल्लैसा लिल इंसान इल्लामा सआ, लैसा लिल इंसान इल्लामा सआ, इंसान के लिए बस उतना ही है कि जितनी उसकी कोशिश। जो हम कोशिश करेंगे उसी कोशिश के मुताबिक हमको हमारा नतीजा मिलने वाला है। दुनिया की कोशिश करेंगे दुनिया मिलेगी, आखिरत कोशिश करेंगे आखिरत मिलेगी। और इसकी कोशिश अनकरीब इसके सामने पेश कर दी जाएगी, इसके बाद इसे पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। और बेशक सबकी आखिरी मंजिल परवरदिगार की बारगाह है, और ये कि इसी ने, और ये कि उसी ने हंसाया भी है और रुलाया भी है, और वही मौत और हयात देने वाला है, और उसी ने नर और मादा का जोड़ा पैदा किया है, और उस नुतफे से जो रहम में डाला जाता है और उसी के जिम्मे दूसरी जिंदगी भी है। यहां के ऊपर भी थोड़ा सा फुटनोट है, इसको मैं पढ़ दूं जल्दी से और बात तमाम कर दूं। ये जो उस नुतफे से कि जो रहम में डाला जाता है, यहां पर इसका भी तस्करा है कि इन तमाम चीजों का इख्तियार जो है वो सब अल्लाह के हाथ में, बंदों के इख्तियार में नहीं है। रब्बुल आलमीन ने अपनी कुदरत कामिला और रहमत शामिला के चंद शवाहिद और गवाह बयान फरमाए हैं। ये चंद मिसालें दी अल्लाह ने अपने इख्तियार की।
इंसान को रोना और हंसना उसी ने सिखाया है। रोता इंसान अपनी मर्जी से है, हंसता अपनी मर्जी से है, लेकिन ये रुलाना सिखाया तुमको किसने है, ये हंसाना तुमको सिखाया किसने है कि अगर खुशी हो तो तुम्हारे लबों पर मुस्कुराहट आई, किसने तुमको बताया कि अगर गम हो तो तुम्हारी आंख में आंसू आए, चेहरा तुम्हारा बदल जाए, ये किसने बताया। ये है मतलब, वरना हंसी खुद हमारे अख्तियार में है, रोना हमारे अख्तियार में है, मौत और हयात उसी के अख्तियार में है, मौत और जिंदगी भी। नुतफे को इंसान, इंसानी नुतफे को उसी ने बनाया है। नुतफा जाहिर सी बात है कि बनाने वाला तो वही है नुतफा, अब वो कब ठहरे, कहां ठहरे, कैसे ठहरे, वो सब सारी मंजिलें अलग हैं। एक ही नुतफे से लड़का और लड़की दोनों उसी ने तैयार किए हैं, वही नुतफा होता है, उसी से लड़का बन जाता है, वही एक नुतफा होता है, उसी से लड़की बन जाती है। कोई बता के आया है कि नहीं इस नुतफे से लड़का बनेगा, इस नुतफे से लड़की बनेगी? आज तक दुनिया में कोई रिसर्च ऐसी नहीं है कि जो ये बता सके कि इस नुतफे से लड़का बनेगा, इस नुतफे से लड़की बनेगी। नुतफा एक होता है, उसी से लड़का बन जाता है और उसी से लड़की बन जाती है। पांचवें, आखिरत की जिंदगी उसी की इजाद की हुई है, आखिरत को अल्लाह ही ने रखा है और ये एक बाकायदा निजाम के तहत रखा है। सितारा ए शोरा इस कदर बुलंदी और बुजुर्गी के बावजूद उसी के हुदूद ममलिकत में है। ये कोई सितारा है कि जो सबसे बुलंदी के ऊपर है, सबसे ऊंचा है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर अल्लाह ही का इख्तियार है। सातवें, साबिक यानी गुजरी हुई कौमों को इस कदर ताकत और कुव्वत रखने के बावजूद उनकी बदअमालियों की बिना पर उसी ने हलाक करके राख कर दिया। आज तो ये कुछ भी नहीं है, जो उस वक्त कुव्वत और ताकत वाली कौमें थी, जो लड़ाकू कौमें थी, लेकिन अल्लाह ने उन कौमों को भी जला करके राख कर दिया। तो अब ये लोग कयामत पर क्यों ईमान नहीं लाते हैं और किस अजाब का इंतजार कर रहे हैं और किस खेल तमाशे में पड़े हुए हैं और क्यों सजदा नहीं करते? वाज़ेह रहे कि ये सियाक व सबाक खुद भी, क्योंकि इसी के बाद वो आयत भी है जिसमें सजदा वाजिब है, मैंने उससे पहले आयतों को खत्म कर दिया है और उसके बाद जहां से सजदा वाजिब है उन आयतों को छोड़ दिया है, खाली दो आयतों का तर्जुमा और करके बस बात तमाम कर दूं। और उसी के जिम्मे दूसरी जिंदगी भी है, उसी ने मालदार बनाया है, सरमाया अता किया है, वही सितारा शोरा का मालिक है, उसी ने पहले कौम आद को हलाक किया, कौम समूद को भी, फिर किसी को बाकी नहीं छोड़ा, और कौम नूह को इनसे पहले कि वो लोग बड़े जालिम और सरकश थे, और उसी ने कौम लूत की उल्टी बस्तियों को पटक दिया, फिर उनको ढांक लिया जिस चीज ने के ढांक लिया। अब तुम अपने परवरदिगार की किस नेमत पर शक कर रहे हो? अब इसके बाद इंशाल्लाह सूरह कमर है जो आने वाले दर्स में आपकी खिदमत में बयान होगा। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात। أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين أعزائي گرامی بزرگان ملت आज की तारीख 18 रबीउल अव्वल जो शहजादी जनाब उम्म कुलसूम बिनत अली इब्न अबी तालिब की विलादत से मखसूस है, आप सबकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप देखें परवरदिगार का ऐलान है कि हमने चुन लिया,
आदम को नूह को और आले इब्राहिम को और आले इमरान को आलमीन में। बहरहाल जब आप तफसीरों को देखेंगे तो इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि आले इमरान से आपकी ही आल मुराद है। दूसरी चीज आप देखें कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ शख्सियात पर गौर नहीं कर पाते हैं, और अहले बैत के यहां भी ये चीज दर्जे अतम तक रही कि बड़े के होते हुए छोटों के किरदार उस तरीके से। हमारे यहाँ यह क्या होता है कि जरा सब कुछ मनसब मिल गया, कुछ हो गया तो हर इंसान अपनी हैसियत दिखाने के लिए तैयार रहता है, लेकिन वहां जब तक बड़ा मौजूद है, छोटे ने ना अपने इल्म का इजहार किया ना अपनी शजात का किया बगैर इजाजत। इसी तरह ये भी घराना है, बहुत अजीम शख्सियत है, आप माँ से भी वाकिफ हैं, माँ कौन है, बाप से भी वाकिफ हैं, वो कौन है, बहन कौन है, भाई कौन है। माँ आप देखें सैयदतुन निसाइल आलमीन, बाबा कसीमुन नार वल जन्ना, भाई सैयदा शबाब अहल जन्ना, बहन आलमे गैर मुअल्लिमा। इस पंजतन के हिसार में, यानी हिजरी सन थोड़ा सा इख्तलाफ कहीं कहीं मिल जाता है कि 6 हिजरी में आपकी विलादत हुई या 7, लेकिन 7 ज्यादा लोगों ने किया। आज की तारीख 7 हिजरी में आप आई इस कायनात में। जब आप आई तो नूर की शुआ इस घर से इतनी बुलंद हो रही थी कि अर्श पर मलाइका महवे हैरत हो गए कि ये क्या हो रहा है। एक मरतबा मलाइका ने जिब्राइल से पूछा, अरे जिब्राइल तुम तो इनके घर के खादिम हो, बताओ क्या हुआ। तो आपने फरमाया कि आपकी आगोश में एक बच्ची आई है जिसकी मुबारकबाद देने के लिए सब लोग तशरीफ। ये जो हमारे यहां महफिलें होती हैं, मजलिसें होती हैं, इसका भी कुछ मकसद है। तो सबने मलाइका ने भी मुबारकबाद दी हर अंदाज से, अहले बैत अलैहिस्सलाम ने उसे कबूल किया। तो अगर हम इस पे खुशी मनाते हैं, महफिलें करते हैं, तो वही की सीरत है। आप आई, अब आप देखें, अभी आप कम सुन हैं, बिल्कुल छोटी हैं। सिद्दीक़े ताहिरा फरमाती हैं कि मैं एक दिन आपको गहवारे में लिटा के एक हाथ से तस्बीह इलाही कर रही थी, दूसरे हाथ से झूला झूला रही थी, झूलाते झूलाते नींद आ गई, उनूदगी सितारी हो गई। इसी अस्ना में जब सो गया तो इंसान तो बहरहाल बाहर दक्कुल बाब हुआ, शहजादी जगी, खोला तो बाबा, उधर से पलटती हैं तो देखती हैं, ताज्जुब होता है कि गहवारा हिल्ला चालू। बाबा से जिक्र किया, बाबा मुस्कुराने लगे, अरे बेटी कोई और नहीं, अली का शागिर्द जिब्राइल था जो इस काम को अंजाम दे रहा था। तो यानी खाली हसनैन अलैहिस्सलाम का गहवारा जुम्मानी जिब्राइल ने नहीं किया है, शहजादी ने भी किया, शहजादी का भी किया है। और आगे बढ़ें, आप घरों में देखते हैं कि बच्चियां अगर कमसिन हैं, माँ इबादत कर रही है, मुसल्ले पर है, तो बच्चे भी आ जाते हैं। लेकिन हमारे बच्चे लाशऊरी में आते हैं, अहले बैत के यहां लाशऊरी नहीं है। आती इस शान से इबादत करती हैं कि शहजादी जो है, माँ हर माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, लेकिन कभी कभी बच्चों का अंदाज कुछ ऐसा होता है कि माँ इजहार मोहब्बत करने पे मजबूर हो जाती है। आपने शहजादी को आगोश में उठा लिया, प्यार करने लगी, उसमें जरा सा आपके सर से मकना हटा, शहजादी ने क्या कहा, मादरे ग्रामी
तब से जो है रिदा हट गई, आपने सही की, लेकिन करबला याद आ गई। आप देखें 7 हिजरी में आपकी विलादत, 11 में शहजादी की शहादत, कितना है 4 से 4.5 साल का वक्फा है, ज्यादा नहीं। इस जमाने की आप जिंदगी को देखें, शहजादी की वाकई करबला तो बहुत बड़ी बात है, वहां जो है आपका सिन तकरीबन 54-55 साल रहा होगा, 57 साल इमाम हुसैन सलाम का, शहजादी जनाबे जैनब सलाम अलैहा 1 साल छोटी और 1 साल 4 महीने के आसपास आप छोटी, अभी इस उम्र में थी कि एक दिन घर पर अहले बैत की सखावत ने, उनकी सखावत ने ये काम करवाया है कि घर में कभी कभी फाके की नौबत आ गई। आपने एक जगह से मजदूरी पे ऊन मनवाया और सूत को काटा, वहां भेजा, वहां से कुछ अनाज मंगवाए, उसको पीसा, रोटियां बनाई। जब रोटियां बन गई तो आप देखें ज्यादा से ज्यादा आपकी उम्र अगर शहादत से भी बिल्कुल करीब मान लिया जाए तो 4-4.5 साल की उम्र। लेकिन अजमत अहले बैत को देखें, ये कौन है, वमा तशाऊना इल्ला यशाल्ला, ये वही चाहते हैं जो अल्लाह चाहता, बजाहिर ये चाहदा मासूमीन के लिए, लेकिन आप देखें कि अहले बैत के ऊपर कितनी इनायत है अल्लाह की, ये सिर्फ और सिर्फ इताअत की वजह से, अल्लाह की इताअत की है, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश की है। रोटी मां ने बनाया, बच्ची कहती है मादरे गिरामी मुझे हिरन के गोश्त की खुशबू आ रही है, मां पलट के कहती है कि बेटी मैंने तो खाली रोटी बनाई है। इतनी देर में दक्कुल बाब होता है, दरवाजे पर कोई आवाज देता है, जनाब फिज़ा जाती हैं, गई तो एक ख्वान को एक बुजुर्गवार ने पेश किया, कहा ये ले जाओ और अहले बैत पर हमारा सलाम भी कह देना। पूछा आप कौन, कहा मैं खिज़्र नबी खुदा। जब आया ये ख्वान, शहजादी ने उस पर से हरे रुमाल को हटाया जो ढका हुआ था तो उसमें हिरन का गोश्त था। देखें खुशबू आ रही है, जैसे हदीसे के सामने क्या कहा, इन्नी अशुम्बो इंद के राहतन तैयबा, मैं अपने बाबा की खुशबू महसूस कर रहा हूं। घर में कौन थे, सब थे, शहजादी थी, हसनैन अलैहिस्सलाम थे, मां थी, मौलाए कायनात थे, लेकिन इजहार किसने किया, जो 4 साल की बच्ची थी, कि मैं खुशबू महसूस कर रही। तो अब अगर शहजादी को खुशबू आ गई तो कुदरत ने भी एहतमाम कर दिया, सबने खाया, लेकिन यहां पर मिलता है कि शहजादी सजदे शुक्र में चली गई, और जब सजदे शुक्र में गई, अभी सजदे में ही थी, बताइए घर के बुजुर्गवार बैठे, अगर इस आलम में घर की बच्ची सजदे में चली जाए तो नजरें किधर होंगी। फितरी यही है कि आपकी तरफ थी, आपने जैसे ही सजदे से सर उठाया, पेशानी पे पसीना, आंखों से आंसू, वो आंसू जो मसल्ले पे पड़े तो सबकी नजरें मकाम सजदगा पे, जैसे ही आपने उठाया तो क्या देखा, दुर्रे आबदार वो आंसू बन चुके थे, चमकते हुए मोती बन चुके थे। परवरदिगार का रहम करम देखें, इनायतें देखें, जो इंसान अपने को अल्लाह के हवाले कर देता है, अल्लाह अपनी मर्जी उन्हें अता कर देता है। कहा है अली, शहजादी ने उठाया, उठाने के बाद जो है मौलाए कायनात को दिया, मौलाए कायनात उसे ले गए बाजार में, उसे बेचा, जो कीमत मिली ले आए। 4 बरस की बच्ची ने कहा कि इसे गुरबा में तकसीम कर दिया। ये किरदार कहां से आया,
उस बाप से आया जो रात में अपने कांधों पे लाद के जाता था, उस मां से आया जिसके दरवाजे से कोई सायल नहीं वापस गया, यहां तक कि मस्जिद नबवी में भी अगर सायल आता था और जरूरत नहीं पूरी होती, सलमान जाओ कहां दरे सैयदा पे, अबू दर जाओ वहां पर। ये है किरदार शहजादी का। दो जुमले और सुने, बात को खत्म करूं, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में जो बातें बचेंगी अर्ज करने की कोशिश। पहचाने शहजादी जनाब उम्मे कुलसुम, एक जमाना आया, ये वाकई कजबला के बाद का है, आया, आप कुछ काम में मसरूफ थी, दरवाजे पे सायल आया, उसने सवाल किया, सवाल किया, अपनी हाजत को बयान किया। एक मर्तबा कहती हैं घर में चारों तरफ नजरें दौड़ाई कि कुछ इसके देने लायक है, कुछ इसके देने लायक है, लेकिन घर में कुछ नजर ना आया। क्यों? सब कुछ तो वहां लूट के आया था, यहां बस किसी सूरत से जैसे थी जिंदगी चल रही थी। जनाब फिज़ा से कहा कि क्या कुछ ऐसा है जो इसे दिया जा सके। कहा शहजादी बज़ाहिर तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। एक मर्तबा दिल में कि कभी मेरे दरवाजे से कोई सायल वापस नहीं गया है, न मां ने कभी किया, न बाबा ने किया, न भाई ने किया, आज अगर ये वापस चला गया तो क्या होगा। शहजादी ने कहा कि उससे कह दो ठहरे, आपने वजू किया, मुसल्ले इबादत को बिछाया, ऐ परवरदिगार आज तक इस दरवाजे से कोई खाली नहीं किया। दुआ करती जाती हैं, आंखों से आंसू जारी, आंखें सुए आसमान बुलंद है, परवरदिगार इस घर की लाज रख ले, इसके रहने वालों की इज्जत को बचा ले। ये आंसू गिरते गए। अब जो शहजादी ने पलट के मुसल्ले की तरफ देखा तो ये मोतियों में और जवाहरात में तब्दील हो चुके थे। ये जनाब उम्मे कुलसुम उठाया, जनाब फिज़ा से कहा दे दो, दिया, साइल भी खुश हुआ, दुआएं देता हुआ गया, लेकिन किताब में यही लिखा है कि उसकी सात पुश्तों तक गुर्बत नहीं आई, और उसने जहां बेचा था उन मोतियों को उसके यहां भी गुर्बत नहीं आई। जो ले गया पता नहीं किस मजहब का था, जिसके हाथ बेचा उसका भी मजहब नहीं मालूम, लेकिन क्या है, हम अहले बैत के करीब नहीं हो सके, खाली कहते रहे कि हम अहले बैत के चाहने वाले हैं, हम अहले बैत के चाहने वाले हैं, लेकिन कभी हमने ये सोचा कि कौन सा अमल करें जिससे अहले बैत हमारे करीब हो जाए। अगर हम अहले बैत को और अल्लाह को राजी करने की कोशिश करते रहेंगे अपने अमल के जरिए से, अपनी जबान के जरिए से, अपने आज़ाओ जवारे के जरिए से, तो याद रखें हमें फिर जबान से फरियाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो दिलों के राज को भी जानने वाले हैं, वो अकलों को और शऊर को भी परखने वाले हैं। लिहाजा दुआ करते हैं परवरदिगार तुझे शहजादी का वास्ता, हम सब की परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार जो हमें मकरूज हैं उनके कर्ज को अदा फरमा, जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार इनायत फरमा, जो रोजगार कर रहे हैं उनके रोजगार में खैर बरकत इनायत फरमा, इमाम के जहूर में ताजील फरमा, हم سب کو ان کے ایوان انصار میں شمار فرما و تقبل منا انہ۔ ابھی نماز میں 20 منٹ ہیں، لہذا 5 منٹ آپ حضرات کی خدمت میں ہوں، اگر کوئی سوال ہے آپ حضرات کا، کوئی مسئلہ ہے تو فرمائیے، تاکہ آج کوئی مسئلہ بھی بیان ہو جائے اسی بہانے سے۔ جی روح نکلتے ہی مرحوم کو اول تو زندگی ہی میں پتا ہوتا انسان کو کہاں جائے گا، زندگی ہی میں پتا ہوتا ہے کہ انسان کہاں جائے گا۔ ہاں، روح نکلنے کے بعد پھر جو حالات اس کے سامنے ہوتے ہیں،
بہرحال وہ واضح کر دیتے ہیں کہ اس کا حشر کیا ہونے والا ہے. جی اس میں بعض چیزیں ایسی بھی ہیں, دیکھیے عالم ارواح ایک الگ دنیا ہے, اس میں بعض موقعوں پر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شاید روح نکلتے وقت تکلیف ہو, سختی ہو, کچھ عذاب ہو, لیکن اس کے کچھ اچھے عقائد اور اعمال کی بنیاد پر پھر آگے شاید اس کے لیے کچھ آسانی ہو, یہ چیز ہو سکتی ہے. ہم نے کہا عالم ارواح کا ایک الگ پوری دنیا ہے, وہ اس کے الگ احکام ہیں, الگ مسائل ہیں. جی شبیر بھائی فرمائیے. انا لا نعلم منہ الا خیر, ہاں کہتے ہیں. جی اس کا انا لا نعلم منہ الا خیر سے اور گناہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں کے اوپر جو علماء نے بیان کیا ہے وہ خیر سے مراد اس کا عقیدہ ہے, اس کا عقیدہ ولایت کہ میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ شیعہ ہے, اب باقی تو جان. بھائی وہ کس نے ظاہر سے بات ہے کہ ورنہ تو کون انسان ہے کہ جو گواہی دے گا کہ ہاں اس نے کیا کیا ہے. بس ہم اتنا جانتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے اور یہ شیعہ ہے اور باقی تو عالم الغیب ہے, یہ تیرے اختیار میں ہے. ہاں اب یہ اللہ کا کرم ہے کہ جب بندہ گواہی دیتا ہے اور اتنا شرماتا ہے اس کا گناہ بیان کرتے ہوئے تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ جب میرے بندے اس کا گناہ بیان کرتے ہوئے شرم کر رہے ہیں اور گناہ نہیں بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں جانتے, تو اللہ اس کے گناہوں کے اوپر بھی پردہ ڈال دیتا ہے, معاف کر دیتا ہے یا اس میں کمی کر دیتا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ ہے جی. اور کوئی سوال؟ بس آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حم کی تلاوت فرما کر درس میں جو حضرات موجود ہیں ان کے مرحومین اور تمام علماء اور مراجع اور مومنین جو آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں ان کی ارواح کو بخش دیں. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.